हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वर्जन ऑफ पॉकेट बिलर ऐप। अभी ये जो रेस्टोरेंट और होटल के लिए नया पॉकेट बिलर 2.0.5 वर्जन जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। ये कि जब 58 mm 80 mm दोनों प्रिंटर को एक कनेक्ट होता है, मल्टी टेबल है। अभी इसमें जो है एक ऐसे लैंडस्केप वाला टैबलेट मोड वाला भी एक फंक्शन इंक्लूड हुआ है, उसको हम देखेंगे कि स्टडी करेंगे कि उसको कैसे एक्सेस करना है, सेटिंग में जाके उसको कैसे इनेबल करना है। बिल बनाना भी देख लेंगे कि बिल कैसे बनाया जाता है। तो अभी हम प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं। ये अभी हमारा एक KOT प्रिंटर है और ये एक बिल प्रिंटर है। तो अभी हम जाएंगे मेनू में, पहले हम बिल प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम 80 mm का बिल प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, ये प्रिंटर कनेक्ट हो गया है। और अभी हम जाते हैं KOT प्रिंटर में, KOT प्रिंटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये KOT प्रिंटर को ये भी कनेक्ट हो गया है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद पासवर्ड है 2345, इसको एंटर करना है और टैबलेट मोड को ऑन कर देना है। अब तक जब हम यूज करते आए हैं पॉकेट बिलर, तो ये यानी ऐसे पोर्ट्रेट मोड में था, ऐसे हम मोबाइल को हम इंस्टॉल करके चला सकते थे। अभी ये मोबाइल में तो हम चला सकते ही है, लेकिन टैबलेट व्यू भी एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें आ गया है, जिसमें हमें टैबलेट जो है वो लैंडस्केप पकड़ के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम टेबल पे क्लिक करने पे ये लैंडस्केप मोड इनेबल हो जाएगा। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे जो हाफ साइड है यहाँ पे हमें बिल दिखाई देगा और यहाँ राइट लेफ्ट साइड में पूरे टेबल्स दिखाई देंगे, जो जो टेबल हमारे अवेलेबल है वो। तो हम अभी एक बिल बना के देखते हैं। जैसे 12 नंबर टेबल पे कोई अपना कस्टमर आके बैठता है जिसने कुछ ऑर्डर किया है, तो उसने ऑर्डर किया है जैसे आइसक्रीम 4, और उसने और ऑर्डर किया है कुछ स्पेशल टी 2, टेबल नंबर 12 का ऑर्डर। और अभी इसकी हम सेंड कर रहे हैं KOT। तो जब भी हम KOT बटन पे प्रेस करेंगे, वैसे ही अपनी KOT प्रिंट हो जाएगी। ये सीधा प्रिंटर हम किचन में रख सकते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट KOT किचन में चली जाएगी। तो अपने जो शेप वगैरह है वो इसको फाड़ के साइड में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस नंबर टेबल पे क्या ऑर्डर हुआ है। यहाँ पे टेबल नंबर भी आता है। ओके, तो और हम इसमें और एक स्पेशलिटी ऐड करते हैं। जैसे उस सेम टेबल पे किसी ने और एक स्पेशलिटी बढ़ाने को बोला है, तो स्पेशलिटी हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमने 1 ऐड किया, उसकी हम अभी KOT सेंड करेंगे, तो उसकी KOT जाएगी किचन में। और जैसे ही हम इसका बिल प्रिंट करेंगे तो बिल हमारा निकलेगा बिल प्रिंटर पे। तो इस तरह से हम बिल अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा बिल प्रिंटर पे निकल आएगा। अभी हमने जो बिल प्रिंटर की साइज सेट करके रखी है वो 58 mm करके रखी है, इसलिए हमारा बिल हाफ पोर्शन में प्रिंट हुआ है। हमें 80 mm साइज करने के लिए हमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके हमें 58 mm को डिसेबल कर देना है। तो पासवर्ड डालेंगे 2345 और जो 58 mm एनेबल करके रखा है, क्योंकि ये हमारा 80 mm का प्रिंटर है इसलिए हमें 58 mm को डिसेबल कर देना है। ये जब डिसेबल हो जाएगा तब हमारी प्रिंट इस पे 80 mm वाली निकलेगी। जैसे अभी हम प्रिंट बटन प्रेस करते हैं तो अभी ये प्रिंट हमारी 80 mm वाली प्रिंट हो गई है, देखिए आप इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी आ रही है, रेट भी आ रहा है और अमाउंट भी आ रही है, लेकिन 58 mm पे हमें 3 ही कॉलम मिलते हैं, आइटम नाम और क्वांटिटी और अमाउंट। और अभी हम देखेंगे कि टोटल अगर 58 mm खाली एक प्रिंटर हमें कनेक्ट करना है तो उस पे उसको भी हम सेम तरीके से कनेक्ट करके चला सकते हैं। बस सेटिंग में जाके हमें सेटिंग 58 mm वाली कर देनी है। तो सेम ये जो बिल है 58 mm वाला, ये 58 mm पे प्रिंट हो जाएगा।
तो अभी हम मेनू में जाएंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, ये हम देखते हैं। तो हम जाते हैं ऐड प्रोडक्ट में, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। फिर उसका नाम हम डालेंगे, जैसे हो गया प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं CAKE केक ब्लैक फॉरेस्ट, BLACK ब्लैक फॉरेस्ट, FORESTE, FORESTE फॉरेस्ट। जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया तो उसका रेट हमें एंटर करना है, जैसे 450 फॉर 1 kg। तो यहाँ पे हम 1 kg भी कर सकते हैं, 1 kg। और अगर ये पूरा प्रोडक्ट हमको कैपिटल में सेव करना है तो ये बटन ABC फुल कैपिटल हम सेव करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट सेव होगा वो फुल्ली कैपिटलाइज में सेव होगा। और अगर हर चीज का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल करने हैं तो इस तरह से हम ABC नीचे वाला फर्स्ट ए कैपिटल और बी और सी जो है वो स्मॉल लेटर में हम करेंगे। तो अभी इसको सेव कर देना है, तो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो अभी हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो उसका अगर बिल हमको बनाना है तो हम जाते हैं अगर 15 नंबर टेबल पे, वहां पे हमें प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है सी, यानी केक, केक का सी। सी अगर डालते हैं तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, जब भी ये फिल्टर हो जाएगा तो सी फॉर ब्लैक फॉरेस्ट केक, और उसके बाद में क्वांटिटी उसकी एक ही क्वांटिटी चाहिए, और फिर उसका जाएगा KOB किचन में ब्लैक फॉरेस्ट केक 1 kg 1, और इसका बिल निकलेगा बिल प्रिंटर पे। इस तरह से ये प्रॉपरली पूरा काम करेगा। तो अभी हम जानेंगे कि हमको डेज का रिपोर्ट कैसे देखना है, यानी आज का सेल रिपोर्ट कैसे देखना है। तो हम जाएंगे सेल रिपोर्ट में, यहाँ पे हम यहाँ से कुछ डेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे भी डेट भी डाल सकते हैं और फाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही डेट या फिर फाइन पे क्लिक कर देते हैं तो आज का जो रिपोर्ट है ये हमारे पूरा सामने आ जाएगा इस तरह से। तो आज की जो टोटल हो गई है, जो काउंटर कलेक्शन की टोटल है 2883, जो कि हमें ऊपर फ्रंट होम पेज पे भी दिखाई देगी 2883। और अभी हम जानेंगे कि वन डेट टू अनदर डेट अगर रिपोर्ट हमें फाइंड आउट करना है किस तरह से डेट का रिपोर्ट निकलता है, तो डेज रिकॉर्ड में हम जाएंगे। डेज रिकॉर्ड में जाने के बाद एक तारीख सिलेक्ट करेगी कोई भी, पहली तारीख जो भी जिस तारीख से हमें दूसरे तारीख तक का रिकॉर्ड चाहिए, और एक दूसरी तारीख सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से तो हमें बीच वाले जो है वो सारे इसका रिपोर्ट मिल जाता है। अभी मुझे कुछ करना है फिल्टर रिपोर्ट, मुझे सिर्फ कॉफी जो है कॉफी का ही रिपोर्ट, कॉफी और चाय का ही रिपोर्ट मुझे देखना है। तो मैं जाऊंगा फिल्टर में, फिल्टर में जाके मैं सिलेक्ट करूंगा कॉफी और चाय, और यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये फिल्टराइज रिपोर्ट आएगा कि मेरी ये महीने की ये तारीख से ये तारीख तक कॉफी और चाय कितनी बिकी है, कितनी अमाउंट की बिकी है, और सेल कितने का हुआ है। 28 कॉपीज गई है, एक सेकंड, थोड़ा बैक बटन प्रेस हो गया। स्टॉक 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 स्टॉक, डेज रिकॉर्ड, एक तारीख सिलेक्ट करनी है, दूसरी तारीख सिलेक्ट करनी है, और फिल्टर में जाके चाय कॉफी फिल्टर इस तरह से। तो अभी 28 जो है हमारा सेल रिपोर्ट है कॉफी, 28 कॉपीज बिकी है, और चाय 5 चाय बिकी है। इस तरह से अगर आपकी महीने की 400-500 चाय भी बिकती है तो उस तरह से आपको पूरा वो रिपोर्ट शो होगा। और एक बोनस फंक्शन या ऐसा ही, इसमें मेनू में जाना है, और एक कैश कैलकुलेटर में अगर हम जाते हैं तो आपको शाम को जब भी अपने काउंटर की कैश काउंट करनी पड़ती है, नोट्स कितने हैं, चिल्लर कितनी है, 1000 के, 500 के, 200 के, 100 के नोट्स कितने हैं, तो उसकी हमें बस यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी है। जैसे 2000 के नोट जमा हुए हैं 3, 500 के नोट जमा हुए हैं 4, 200 के नोट 2, और 10 के नोट जमा हुए हैं 7, और कुछ चिल्लर भी जमा हुई है, जैसे 5 के कॉइन्स है, 6 कॉइन्स जमा हुए हैं, 2 के कॉइन्स है, 2 जमा हुए हैं, और 1 के कॉइन्स है जो कि 15 जमा हुए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारी
कुछ इस तरह से टोटल दिखाई देती है 8,519 रुपीज ओनली। नोट्स आते हैं 16 नोट्स है और चिल्लर 23। इस तरह से हम कैश कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली जब भी हमारा कस्टमर सेटल डाउन हो जाता है, यानी कस्टमर को अभी सेटल कर देना है, ये बिल हम कस्टमर ने अगर पैसे पे कर दिए तो हम इस बिल को भी इस सेव बटन पे क्लिक करके सेव करके ये टेबल को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही टेबल हमारा क्लियर हो जाता है तो कलर हमारा व्हाइट हो जाता है। यहाँ पे नीचे हम कुछ पर्पल कलर में पार्सल भी आते हैं, जैसे टेबल तो 20 हमारे टेबल हो गए, लेकिन हमें पार्सल को भी अलग तरीके से ऑपरेट करना है, जो कि हमें टेक अवे होते हैं, तो टेक अवे भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। कुछ जोमेटो और स्विगी के बिल भी हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको अगर ये सॉफ्टवेयर पसंद आया है, ये सॉफ्टवेयर खाली एंड्रॉयड बेस ही है, आप इसे टैबलेट और मोबाइल पे दोनों तरीके से इजीली हैंडल कर सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट और होटल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप बस ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए 7276699 ये नंबर पे आप कॉल करिए और आप इस सॉफ्टवेयर को APK फाइल को हमसे परचेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड फोल्डर में। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।